नीतीश कुमार के समर्थक उन्हें भले ही प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताते नहीं थकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस के नेता बिहार में ही नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि आगे जो भी चुनाव होगा वह तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे। अखिलेश सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कई बार कहा है कि चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, जबकि कांग्रेस तो काफी पहले से ही ये बात कह रही है। मुख्यमंत्री जी का ये नया बयान तो नहीं है, मुख्यमंत्री जी तो कई बार कह चुके हैं कि अब जो आगे चुनाव होगा वो तेजस्वी के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे, तो नई कौन सी बात हो गई। मुख्यमंत्री के तौर पे आप लोग तेजस्वी यादव को तो हम लोग तो जब नीतीश जी उधर थे तब भी उनको मुख्यमंत्री मान के चुनाव लड़े थे। थैंक यू। वहीं अखिलेश सिंह ने कांग्रेस के दिग्गज नेता श्री बाबू की योगदान की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि देवघर में दलित समाज को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार श्री बाबू ने ही दिलाया था। दारी उन्मूलन का कानून श्री बाबू ने पास कराने का काम किया बिहार के गरीब लोगों के हित को देखते हुए। मुझे अच्छी तरह याद है जब देवघर के मंदिर में दलित भाइयों का प्रवेश पर रोक था, हाथ खड़ा कर दिया था उस समय के प्रशासन ने, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी ने हाथ खड़ा कर दिया। उन्होंने समय तय किया, मैं फलां दिन आ रहा हूँ, और उन्होंने दलित भाइयों का उस दिन प्रवेश कराया, लाख वहाँ के पंडों के विरोध के बाद। तो ऐसे थे श्री बाबू। कई घटनाएं मैं कह सकता हूँ, जब सीमा आयोग में उनको बिहार का पक्ष रखना था, उस समय बंगाल के उस समय के मुख्यमंत्री बीसी राय साहब भी बड़े आदमी थे, और किशनगंज और टाटा जैसे जगह को बंगाल अपने सीमा रेखा में रखना चाहता था, तो उन्होंने साफ तौर पर नेहरू जी के सामने कहा था कि जनता कोई शतरंज की गोटी नहीं जिसे आप इधर से उधर रख दीजिए और जनता उसको एक्सेप्ट करेगी। तो कई घटनाएं हैं जिसको हम लोग याद करते हैं श्री बाबू के व्यक्तित्व में के बारे में, और बिहार वॉज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड स्टेट इन द कंट्री, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में कहा था। एक सवाल है मुख्यमंत्री नीतीश का, अगर बिहार में ही महागठबंधन का चेहरा नीतीश कुमार नहीं बन पाएंगे तो फिर देश में पीएम पद की दावेदारी की बात भी उन्हें भूल जाना चाहिए। ऐसे में 2023 से नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर ढलान की तरफ बढ़ता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्यू वाइफ नेटवर्क।